प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकार की आवास योजनाओं का गृह प्रवेश करवाया। इस दौरान जबलपुर के परसवारा में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए क्षेत्र के विधायक तरुण भनोट वहां पहुंचे। इस दौरान उन्हें आवास योजना के हितग्राहियों ने समस्याएं बताई। उन्होंने यहां बने मकानों को देखा तो उन्हें यहां कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। जब विधायक ने जनता से पूछा तो सभी ने अपनी समस्याएं उन्हें बताई। इस दौरान विधायक ने कहा कि यहां सिर्फ मकान बना दिए गए हैं, लेकिन यहां ना तो सड़कें हैं और ना ही नालियां हैं। उनका कहना है कि यहां कांग्रेस का विधायक है, इसीलिए सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। दुर्भाग्य देखिए, 1750 मकान का लोकार्पण के लिए हजारों लाखों रुपए सरकार के खर्च कर रहे हैं, पर जो हितग्राही हैं उनके मकानों के सामने आपने अंदर जाके स्थिति देखी। एक एक किस्त मिली है, तीन तीन किस्त ब्याज पे उन लोगों ने उठा के अपना मकान बनाया। आपने कैमरे पे देखा कि जो ये गेरू रंग पोता गया है, ये उन्हीं लोगों को मजबूर करके उन्हीं के पैसे से उन्हीं से पुतवाया गया। दो दिन से साफ सफाई सड़क और नाली की उन्हीं से कराई गई, और सड़क कौन सी बनाई गई जहां से महापौर को आना है और बड़े बड़े नेताओं को आना है। अंदर की सड़कों का और नालियों का क्या हाल है। इस बस्ती में हर बरसात में सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से और दीवार गिरने से मौत होती है। कोई संवेदनाएं नहीं है, और ये ऐसी सरकार है। हम लोगों ने संघर्ष कर करके 7.5 करोड़ रुपए के ठेके कराए नालियां बनवाने के और रोड बनाने के, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनका पार्षद ने जीता, भाजपा का इनका विधायक इस क्षेत्र में नहीं जीता। ये 1.5 साल से काम नहीं होने दे रहे। ये विधानसभा में भी झूठ बोलते हैं। 4 प्रश्न में मैं यहाँ से संबंधित विधानसभा में लगा चुका हूँ। हर बार ये बोलते हैं कि अगले महीने काम शुरू हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब वर्क ऑर्डर हो चुका है तो काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है। और मैं यहाँ की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाइयों बहनों, जब महापौर और बड़े अधिकारी यहाँ पे आए तो उनको पहले अपनी बस्ती में लेके जाना, उनको दिखाना बस्ती के अंदर क्या स्थिति है, उसके बाद ये कार्यक्रम होने देना। महिलाओं को जिनको सामने बिठाया है, उनके हाथ, उनके सीने पे हाथ रख के पूछिए महापौर जी, वो कितनी दुखी है। जिनके घर में नाली नहीं बनी, जिनके घर के सामने सड़क नहीं बनी और स्वीकृत होने के बाद नहीं बनी, ये चलने वाला नहीं है। और ये 2-5 महीने की सरकार और बची है। और मैं तो सरकारी अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि बाज आ जाए। वो भारतीय जनता पार्टी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो माननीय मोदी जी के घर से, माननीय शिवराज सिंह जी के घर से या महापौर जी के घर से तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, वो सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं। और सरकार गरीबों के पैसे से चलती है। आप भाजपा के नुमाइंदे बन के काम कर रहे हो, 4 महीने बाद जब यही जनता ये सरकार बदलेगी तो आपकी भी खबर जरूर ली जाएगी, अगर इस प्रकार के गलत काम करना आपने सरकार के दबाव में और भाजपा के नेताओं के दबाव में बंद नहीं। जबलपुर से EMS TV के लिए कमलेश पटेल की रिपोर्ट।